हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइग्यान इंडिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओएसआई मॉडल के लेयर्स कैसे काम करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि ओएसआई मॉडल एज अ होल कैसे वर्क करता है, उसका लिंक जो है दैट यू कैन फाइंड ऑन टॉप। नाउ हम लोग एक क्विक रिकैप लेते हैं बिफोर गोइंग इनटू कि लेयर्स कैसे काम करते हैं। नाउ ओएसआई मॉडल जो है वो एक लेयर्ड अप्रोच है, इसके 7 लेयर्स हैं। एंड ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? ये हमें हेल्प करता है दो डिवाइसेस को नेटवर्क पे कम्युनिकेट करने के लिए, नो मैटर व्हाट अंडरलाइंग आर्किटेक्चर दे हैव, अनलेस एंड अंटिल दे आर यूजिंग द सेम स्टैंडर्ड्स। सो लेट्स गेट इनटू ईच ऑफ द लेयर का एक्सप्लेनेशन। सो वी विल स्टार्ट विद फिजिकल लेयर। नाउ ये जो फिजिकल लेयर है, इसका सबसे बड़ा काम जो है वो है रॉ डेटा का ट्रांसमिशन करना ओवर द फिजिकल मीडियम। नाउ जो भी हमारा एक्चुअल में डेटा ट्रांसमिशन होना है ओवर द नेटवर्क, वो एक्चुअल में तो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू होगा। नाउ हम लोग कंप्यूटर्स में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जीरोज़ एंड वंस में। तो जीरोज़ एंड वंस का ट्रांसमिशन एक्चुअल में कैसे होगा? अगर हम वायर्ड की बात कर रहे हैं या वायरलेस, दोनों में से किसी की भी बात कर रहे हैं, तो जीरोज़ एंड वंस कैसे ट्रांसमिट होने वाले हैं? नाउ फॉर दैट व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज द फिजिकल लेयर इज गोइंग टू सी दैट कि ये जो बिट है इसको हम लोग सिग्नल्स में कन्वर्ट करें, और ये सिग्नल्स फिर ट्रांसमिशन मीडियम जो भी होगा हमारा उसके ऊपर ट्रांसमिट होने वाले हैं। ना ये जो बिट्स है जीरो एंड वंस, उसको हम सिग्नल्स में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? ये सिग्नल्स हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, जहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो हम उसको बोल रहे हैं कि वो वन होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं सिग्नल्स हैं तो वो ज़ीरो होगा, या नहीं तो वो ऑप्टिकल हो सकते हैं जहाँ पे वी यूज़ लाइट्स, या नहीं तो वो रेडियो सिग्नल्स हो सकते हैं जो कि वायरलेस में मेनली यूज़ होता है। तो ये सारा जो काम है फिजिकल लेयर पे होने वाला होता है। इसके अलावा फिजिकल लेयर जो है वो काफ़ी सारे डिवाइसेस की हैंडलिंग भी करता है जो कि हमारे ट्रांसमिशन नेटवर्क पे हो रहा होता है, जैसे कि कनेक्टर्स, रिपीटर्स, हब्स, ये सारे के सारे इनको हैंडल करेगा। फिजिकल लेयर ऑल्सो डिसाइड्स कि हमारा डेटा का ट्रांसमिशन रेट क्या होना है। नाउ व्हेनेवर सम ट्रांसमिशन इज गोइंग टू हैपन ओवर द नेटवर्क, वी हैव सम ट्रांसमिशन रेट जो कि डिसाइडेड होता है कि इसी रेट से हमारा डेटा आएगा। सो दैट रिसीवर के पास ये कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि वो उस डेटा को रिसीव कर सके और प्रोसेस कर सके। तो ये जो डेटा रेट होता है उसका फिक्सेशन और उसकी हैंडलिंग भी फिजिकल लेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अपने घर पे जब भी इंटरनेट लेते हैं तो वी हैव समथिंग जो वो बोलते हैं ना कि आपका इतना Mbps पर सेकेंड डेटा रेट होगा, दैट इज़ द ट्रांसफ़र स्पीड जिसके बेसिस पे हम किसी इंटरनेट कनेक्शन को अच्छा या बुरा समझ रहे होते हैं। तो वो ट्रांसमिशन रेट है कि डेटा इस रेट पे ट्रांसमिट होगा, एंड दैट इज़ हैंडल्ड बाय द फिजिकल लेयर। टू समराइज, फिजिकल लेयर क्या करता है? सबसे पहला इट कन्वर्ट्स बिट्स इनटू सिग्नल्स ऑन द सेंडर मशीन, एंड देन अगेन कन्वर्ट्स सिग्नल्स इनटू बिट्स ऑन द रिसीवर मशीन। और इसके अलावा वो बहुत सारे फिजिकल डिवाइसेस को हैंडल करता है जो कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क पे होते हैं, एंड देन डेटा रेट ट्रांसमिशन जो होता है वो डिसाइड करता है। दिस इज द वर्क ऑफ फिजिकल लेयर। नाउ लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट लेयर डज, व्हिच इज डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का मेन काम क्या है? डेटा लिंक लेयर का मेन काम ये है कि हमारे पास जो भी रॉ ट्रांसमिशन लाइन है उसको हम एक ऐसे लाइन में ट्रांसफॉर्म करें जो कि नेटवर्क लेयर को जब मिले तो उसको उसमें एरर्स ना लगे। ओके, सो दैट इज़ द मेन वर्क ऑफ डेटा लिंक लेयर। नाउ डेटा लिंक लेयर जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड है दो सब लेयर्स में। फर्स्ट वन इज लॉजिकल लिंक कंट्रोल, जिसको कि हम LLC भी बोलते हैं, और दूसरा है मीडियम एक्सेस कंट्रोल, जिसको कि हम MAC भी बोलते हैं। ना ये दोनों क्या काम करते हैं? सबसे पहले जो LLC है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, उसका काम है फ्रेमिंग करना। ना व्हाट आर फ्रेम्स? फ्रेम्स जो होते हैं ना, वो हमारे बेसिक यूनिट होते हैं जिसमें डेटा एक्चुअली ट्रांसमिशन हो रहा होता है। तो हमारे पास अगर मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा मैसेज है, उस मैसेज को हम क्या करते हैं कि फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड ईच फ्रेम हैज़ सम पार्ट ऑफ द मैसेज इन इट।
नाउ हर फ्रेम का एक फ्रेम नंबर होता है, उसका खुद का एक हेडर होता है जो ये बताता है कि किस सीक्वेंस में मैसेज को वापस से रीट्रांसमिट करके हम ये सारे जो फ्रेम्स हमारे पास आए हैं उससे हम ओरिजिनल मैसेज तक पहुंच सकें। सो ये फ्रेमिंग का जो पूरा पूरा काम है ये कौन करता है, ये करता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। सो नेटवर्क लेयर से जब इसके पास मैसेज आता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल उसको फ्रेम्स में डिवाइड करता है। फ्रेम्स क्या है? फ्रेम एक बेसिक यूनिट है जो कि ट्रांसमिट होती है ओवर द नेटवर्क मीडियम। नाउ दूसरा काम जो हमने करना है वो है एरर करेक्शन का। नाउ ये जो एरर करेक्शन हो रहा है ना, ये एरर करेक्शन फ्रेम्स का हो रहा है। हमने जैसे कि अभी बात की कि हम जो डेटा है हमारा, जो भी मैसेज है उसको हम फ्रेम्स में भेज देंगे। एक मैसेज मान लीजिए 10 फ्रेम्स में बनकर गया है। नाउ वो सेंडर से 10 फ्रेम्स गए ओवर द नेटवर्क, सम हाउ रिसीवर के पास 10 फ्रेम्स नहीं पहुंच पाए। क्या हुआ कि बीच में कुछ फ्रेम्स लॉस्ट हो गए, कुछ फ्रेम्स डुप्लीकेट हो गए या कुछ फ्रेम्स में कुछ एरर आ गया। सो लॉजिकल लिंक लेयर ये चेक करेगा कि फ्रेम्स का जो सीक्वेंस है वो सही हो। उसके लिए फ्रेम्स का एक हेडर होता है जिसके थ्रू वो ये वर्क कर रहा होता है। सो दे आर गोइंग टू मेक श्योर दैट दे आर नो लॉस्ट डुप्लीकेट और एरर प्रोन फ्रेम्स इन द ट्रांसमिशन लाइन विच इज़ कमिंग। अगर मान लीजिए कोई एरर है किसी में तो वो वापस से उसको आपके सेंडर तक ये मैसेज पहुँचाएगा कि ये वाला फ्रेम जो है बीच में मिसिंग है, रीसेंड इट। सो ये काम जो है वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल करने वाला है। द थर्ड थिंग जो कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल करेगा वो है ट्रांसमिशन पॉलिसी डिसाइड करेगा। नाउ हो सकता है कि हमारा जो ट्रांसमीटर है वो एक्चुअली बहुत फास्ट ट्रांसमीटर है और हमारा जो रिसीवर है वो थोड़ा स्लो रिसीवर है। नाउ मान लीजिए अगर फास्ट ट्रांसमीटर है तो वो बहुत जल्दी डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, पर स्लो रिसीवर है तो उसको कोई ना कोई एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो स्लो रिसीवर पे भी समहाउ उसको रीड कर सके, ताकि हमारे रिसीवर का भी प्रोसेसिंग पावर जो भी है उसके हिसाब से ही डेटा ट्रांसफ़र हो। सो ये करने के लिए देर इज़ गो बैक एंड पॉलिसी, सेलेक्टिव रिपीट पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल मैनेज कर रहा होता है। इनके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये था लॉजिकल लिंक कंट्रोल का पार्ट। नाउ डेटा लिंक लेयर में ही जो मैक है वो क्या करेगा, वो करता है चैनल एलोकेशन। नाउ चैनल एलोकेशन मतलब क्या, मान लीजिए कि हमारा एक नेटवर्क लाइन है, हो सकता है कि वो डेडिकेटेड नेटवर्क लाइन नहीं हो, बहुत सारे कंप्यूटर्स उस पर्टिकुलर लाइन को यूज़ कर रहे हो सकते हैं। नाउ जब ऐसा होगा तो अगर एक साथ दो सेंडर्स को कुछ सेंड करना है अलग अलग रिसीवर को, तो ये चीज़ कैसे डिसाइड होगी कि कौन कब बोल रहा है। ना जैसे अगर आपको पता है कि वो एक वॉकी टॉकी होता है जिसमें एक ही लाइन होती है, अभी उस लाइन में अगर दोनों लोग साथ में बोलने लगेंगे तो किसी को भी समझ नहीं आएगा कि कौन क्या बोलना चाह रहा है। सो देयर इज़ अ पॉलिसी कि पहले आई विल से समथिंग एंड आई विल से डेल्टा, उसके बाद ही उधर वाला कुछ बोलेगा। व्हेन दे नो कि मेरा जो भी ट्रांसमिशन था वो ख़त्म हो गया, तभी आगे वाला कुछ बोलेगा। ये हमारे वॉकी टॉकी की पॉलिसी है। वैसे ही जब चैनल एलोकेशन की बात यहाँ पे हो रही है तो नेटवर्क पे भी काफ़ी सारी पॉलिसीज हैं जो कि ये इंश्योर करती हैं कि चैनल जो है, अगर वो शेयर्ड चैनल है तो कौन सा सेंडर या कौन सा डिवाइस कब उसको और कैसे उसको यूज़ करेगा। सो नाउ अगेन फॉर दिस जो हमारा मैक है उसके पास कुछ कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, CSMA/CD, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो वो यूज़ करता है टू इंश्योर दैट हमारे नेटवर्क पे कंजेशन ना आ जाए। सो दिस इज़ द टास्क ऑफ डेटा लिंक लेयर। द थर्ड लेयर जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है नेटवर्क लेयर। और ये जो नेटवर्क लेयर है इसका मेन काम ये है कि वो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी करता है ऑफ आवर पैकेट्स। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, नेटवर्क लेयर इज द लेयर दैट कंफर्म्स कि ये हमारा एक्चुअल रिसीवर है, और जब ये कंफर्मेशन हो जाती है उसके बाद ही हम इसके ऊपर के लेयर्स में जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर और उसके ऊपर के जो लेयर्स हैं उनको हम ट्रू एंड टू एंड लेयर्स कहते हैं। नेटवर्क लेयर इज द लेयर जो ये कंफर्म करेगा कि ये हमारा सही रिसीवर है कि नहीं है। तो उसका सबसे मेजर काम तो यही है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन की डिलीवरी करा दें। ना ये डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स करेगा।
ना नेटवर्क लेयर में सारा कुछ जो होता है वो पैकेट्स में डिवाइडेड होता है और ये पैकेट्स वो आगे फिर डेटा लिंक लेयर को देता है जो कि उसको फ्रेम्स में डिवाइड करता है। नाउ ये जो पैकेट्स होते हैं इनकी राउटिंग करने का काम हमारा नेटवर्क लेयर का है। तो राउटिंग मतलब क्या? राउटिंग इज़ क्या कि पूरा जो हमारा नेटवर्क है उस पर काफ़ी सारे राउटर्स हैं, गेटवेज हैं जो कि एक से ज़्यादा नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं जिसके कारण हमारा इंटरनेट इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड वेब बन रहा है। ना ये सारा जब भी हमें कोई भी मैसेज भेजना है, लेट्स से फ्रॉम इंडिया टू जापान के एक सर्वर को हमें एक मैसेज भेजना है तो एक से ज़्यादा रूट्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सर्वर्स हो सकते हैं जिसके थ्रू ये मैसेज जा सकता है टू अ सर्वर इन जापान। जैसे अगर मान लीजिए कोई घर भी है तो वहाँ पहुँचने के लिए एक से ज़्यादा रोड होते हैं जो कि हमें वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो हम राउटिंग किस बेसिस पे करते हैं? हम राउटिंग उस समय इस बेसिस पे करते हैं कि कौन से रूट से हम सबसे जल्दी पहुँच जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ भी होगी, हमारे पास बहुत सारे स्टैटिक टेबल्स होते हैं तो जब भी कोई भी पैकेट को एक पर्टिकुलर सर्वर से, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाना है तो ये सारे के सारे स्टैटिक टेबल्स को चेक किया जाता है, डिलीवरी की प्रायोरिटीज़ चेक की जाती है, अल्टरनेट रूट्स देखा जाता है एंड उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि ये पैकेट रिसीवर के पास जाएगा कैसे। सो दैट इज़ द वर्क ऑफ नेटवर्क लेयर। इसके बाद एक और काम वो ये चीज़ में करने के लिए ये कर रहा होता है कि वो कंजेशन कंट्रोल भी करता है। तो मान लीजिए चैनल पे बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाएगा तो उसको ठीक करने का काम भी नेटवर्क लेयर का है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है लॉजिकल एड्रेसिंग। हर एक डिवाइस का एक फिज़िकल एड्रेस होता है पर ये फिज़िकल एड्रेस के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते ऑन द नेटवर्क। ऑन द नेटवर्क हम उसको किसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं? हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं लॉजिकल एड्रेस के थ्रू और ये लॉजिकल एड्रेस को मेंटेन करने का काम नेटवर्क लेयर करता है। तो यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं ARP एंड RARP जो काम कर रहे होते हैं। तो जो भी पैकेट जा रहा होता है हमारा फर्दर ट्रांसमिशन मीडियम के लिए वो क्या करते हैं, हम उसमें लॉजिकल एड्रेस ऐड कर रहे होते हैं इन द नेटवर्क लेयर ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर टू आइडेंटिफाई देम। तो ये हमारा बहुत बड़ा काम है जो कि नेटवर्क लेयर कर रहा है। और इसके अलावा बिलिंग एंड अकाउंटिंग। नाउ जब भी आप मान लीजिए इंटरनेट लेते हैं और आपका इंटरनेट जो है वो लिमिटेड इंटरनेट है तो एक अकाउंटिंग हो रहा होता है ना, कितने बिट्स ट्रांसफ़र हो गए, आपने इतना KBs यूज़ कर लिया, इतने MBs यूज़ कर लिए, तो ये कहीं ना कहीं ये अकाउंटिंग हो रही होगी ना कि कितना डेटा रेट ट्रांसमिट हो रहा है, कितना बिट्स ट्रांसमिट हो रहा है, वो कौन कर रहा है? अकाउंटिंग का काम किसका है? नेटवर्क लेयर का। तो ये नेटवर्क लेयर ये काम करेगा कि ये चेक करेगा कि एक बार में हमारे ट्रांसमिशन के लिए कितना बिट्स जा रहा है। सो इन शॉर्ट समराइज करते हैं, सबसे पहला काम क्या है? डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करके रिकन्फर्म करना। दूसरा काम क्या है? डिलीवरी करना इंडिविजुअल पैकेट्स की। तीसरा काम है एक रूट डिसाइड करना जिसके थ्रू हम उसको भेजेंगे। चौथा काम है अगर उस रूट पे कंजेशन है तो हम उसको ठीक करेंगे। पांचवा काम है लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करना टू द सेंडर, जो भी डिवाइस है उसका एक लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करना, पैकेट बनाना, पैकेट में सेंडर और रिसीवर दोनों का लॉजिकल एड्रेस डालना एंड उसके बाद लास्ट काम ये है कि हम बिलिंग अकाउंटिंग जो होगी वो करेंगे नेटवर्क लेयर में। तो नेटवर्क लेयर पे जो डिवाइसेस जनरली यूज़ हो रहे होते हैं वो है राउटर्स एंड गेटवे। इसके अलावा एक चीज़ भी ध्यान में रखनी होगी वो ये कि जब ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है तो वहाँ पे नेटवर्क लेयर काइंड ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट होता है क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क लेयर का कुछ खास काम नहीं होता है। नाउ ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में हमें कोई रूट डिसाइड नहीं करना है कि रिसीवर तक कैसे पहुँचेगा। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क इज़ व्हाट? जब हम वो डेटा को सबको भेज रहे होते हैं, राइट? तो हमें उसको बस नेटवर्क पे भेज देना है, जितने डिवाइसेस दिख रहे हैं उसके पास वो पहुंचा दो। तो ये काम जब करना होता है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे तो नेटवर्क लेयर के काफ़ी सारे काम जो अभी हमने बात करी वो कम हो जाते हैं। सो हमारा जो फोर्थ लेयर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। नाउ ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रू एंड टू एंड लेयर भी कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ द लेयर जिस पे हमारा जो भी फ्लो है वो तभी जाएगा जब वो हमारा ओरिजिनल रिसीवर है।
अदरवाइज नेटवर्क पे जब भी कोई एक मैसेज है तो बीच में बहुत सारे और भी डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे हम जा रहे होते हैं टू चेक कि ये हमारा रिसीवर है कि नहीं। उन सारे डिवाइसेस के हम ठीक नेटवर्क लेयर तक ही जा रहे होते हैं। अगर नेटवर्क लेयर पे ही हमें पता चल जाता है कि ये हमारा रिसीवर डिवाइस है कि नहीं है, अगर नहीं है तो हम सारे पैकेट्स को जो भी हमारा फ्रेम्स है उनको वापस से रीजनरेट करते हैं और हम आगे दूसरे डिवाइस को चेक करने चले जाते हैं। पर अगर वो हमारा एक्चुअल रिसीवर है देन ओनली वी गो टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ दैट डिवाइस। इसीलिए इसको ट्रू एंड टू एंड लेयर कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी डिलीवरी हो रही है हमारे मैसेज की वो होती है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। इसके पहले नेटवर्क लेयर पे जो डिलीवरी हुई वो क्या हुई, वो ही होस्ट टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। हमें पता चल गया कि ये हमारा डेस्टिनेशन है, हमने सारे पैकेट्स की डिलीवरी कर दी। ट्रांसपोर्ट लेयर ये चेक करेगा कि कोई एक प्रोसेस होगा ना जिसने हमारे सेंडर मशीन से अपने रिसीवर मशीन को उस प्रोसेस के लिए ही मैसेज भेजा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने HTTP कोई वेबसाइट खोला, ठीक है, तो वो वेबसाइट का जो डेटा आना है वो हमारे ब्राउज़र पे आना है। दिस वॉज अ प्रोसेस जो कि हमारा ब्राउज़र है उसको ही वो डेटा दिखना चाहिए, उसका डेटा हमारे मैसेंजर पे नहीं चला जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये इंश्योर करेगा ट्रांसपोर्ट डिवाइस कि वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी हो। नाउ ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो पैकेट्स पे काम करता है। हमने ये देखा था कि नीचे के लेयर्स में डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स पे काम होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सेशन लेयर हमें जो भी मैसेज भेजता है अगर वो बहुत लार्ज मैसेज होता है तो उसको हम पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद ये पैकेट को हम नेटवर्क लेयर पे दे देते हैं। अगर मान लीजिए ये रिसीवर डिवाइस है तो उल्टा काम हो रहा होता है, नेटवर्क लेयर से हमारे पास जो पैकेट्स आता है उसको हम वापस ही रीजनरेट करते हैं, उसकी रीअसेंबली करते हैं और हम सेशन लेयर को एज अ मैसेज भेज रहे होते हैं। तो ये इसका काम क्या है, सेगमेंटेशन करने का और रीअसेंबली करने का। सेगमेंटेशन ऑफ द होल मैसेज इनटू पैकेट्स फॉर द सेंडर एंड फॉर द रिसीवर, जो भी हमारे पैकेट्स आए उसकी रीअसेंबली करके उसको एक मैसेज बनाकर सेशन लेयर को वापस ऊपर भेजने का। तो ये काम भी है ट्रांसपोर्ट लेयर का। इसके बाद यहाँ पे एरर कंट्रोल हो रहा है। इसके पहले हमने डेटा लिंक लेयर में भी देखा था कि वहाँ पे एरर करेक्शन हो रहा था। वो एरर करेक्शन किस चीज़ का हो रहा था, वो करेक्शन हो रहा था फ्रेम्स का। यहाँ पे हम एरर कंट्रोल किसका करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो हमारे पैकेट्स आए थे वो ऑर्डर में आए हैं कि नहीं, पैकेट्स का कुछ एरर तो नहीं हो गया। अगेन ये पैकेट्स के अंदर के इंफॉर्मेशन की चेकिंग नहीं करेगा, ये सिर्फ ये चेक करेगा कि पैकेट्स ठीक हैं कि नहीं, उसका डेटा ठीक है कि नहीं, वो कलेक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा। थर्ड थिंग जो ये काम करता है वो होता है एक्नॉलेजमेंट का। नाउ जब भी मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज सेंड करते हो, जब वो पहुंच जाता है तो एक डबल टिक बनता है, राइट, तो एक एक्नॉलेजमेंट आती है कि ये सेंडर के पास तक पहुंच गया। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये सेंडर भेजेगा तभी तो आएगा। जैसे वो जो ब्लू टिक होता है, अगर मान लीजिए सेंडर ने बंद कर रखा है तो आपको इस बात की एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी कि उसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपको सिर्फ इस बात तक की एक्नॉलेजमेंट आ रही होगी कि वो मैसेज उस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है ट्रांसपोर्ट लेयर। सो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये है कि वो रिसीवर से सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट भेज दे कि आपका मैसेज हमें मिल गया है। तो ये सारा काम जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। तो सेशन लेयर जो है हमारा, इसका काम होता है होल्ड करता है एक कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन टू नेटवर्क डिवाइसेस। सो जब भी दो नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में अगर बात करना है तो वो जो पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट होगा फॉर देम टू हैव अ डायलॉग बिटवीन देम विल बी कॉल्ड अ सेशन। तो वो काम कर रहा है हमारा सेशन लेयर, इस्टेब्लिश करेगा एक कम्युनिकेशन लाइन और एक डायलॉग कंट्रोल का ऑप्शन देगा। और ये डायलॉग कंट्रोल जो है ये क्या कर रहा होगा, ये सिक्योरिटी चेक्स भी कर रहा होगा कि हमारा जो ये डायलॉग है, ये मान लीजिए प्रोसेस टू प्रोसेस जो डिलीवरी हो रही है, ये सिर्फ उस प्रोसेस के बीच में ही हो, बीच में किसी और प्रोसेस के भी पास नहीं चले जाए। मान लीजिए जैसे बीच में एक स्नूपिंग या हैकिंग कुछ सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, तो ऐसा ना हो कि हमारा जो मैसेज आ रहा है इन द सेशन वो किसी और प्रोसेस के पास भी चला जाए। जिस दो प्रोसेस के बीच में ये सेशन क्रिएट हुआ है सिर्फ उनके बीच
में ही ये ट्रांसमिशन होना चाहिए. दैट इज़ द वर्क ऑफ सेशन लेयर. सेशन लेयर जो है वो जब एक्चुअली कम्युनिकेशन लाइन बनाता है तो एक थ्री वे हैंडशेक होता है. ये थ्री वे हैंडशेक जो होता है उसको एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो प्रोवोक करता है, लेकिन उसको होल्ड करने का काम सेशन लेयर का होता है एंड उसमें वो यही डायलॉग का कंट्रोल कर रहा होता है. इसके बाद दूसरा जो काम है वो है सिंक्रोनाइजेशन करना, और सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए वो लोग चेक पॉइंट्स का यूज़ करते हैं. मान लो जब हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं कई बार नेटवर्क फेलियर हो जाता है. नेटवर्क फेलियर हो जाता है तो जो डेटा ट्रांसमिट होना है क्या वो बिल्कुल स्टार्ट से होना है या उसमें एक चेक पॉइंट लगा हुआ है और उस चेक पॉइंट के बाद से वापस से सिर्फ अगर उस चेक पॉइंट तक पहुंच गया था तो उस चेक पॉइंट के बाद का डेटा ही ट्रांसमिट होगा और बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं होगा. तो ये सारा जो सिंक्रोनाइजेशन है करने के लिए कि नेटवर्क फेलियर हो गया तो कैसे बिहेव होगा ये सेशन, क्या वो टर्मिनेट हो जाएगा और फिर से न्यू सेशन को बनाना पड़ेगा या हम कहीं किसी एक चेक पॉइंट से वापस रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं सेशन, ये सारा काम हमारा सेशन लेयर करने वाला है. इसके बाद जो हमारा सिक्स लेयर है वो है प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर का सबसे बड़ा काम है ट्रांसलेशन करना. ट्रांसलेशन मतलब क्या? अब जैसे हमने बात की कि अभी तक जो हम नेटवर्क में सारा इन्फॉर्मेशन भेज रहे थे, सबसे पहले तो सेशन लेयर में एक मैसेज आया, वो मैसेज को हमने क्या किया, पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, फिर वो आगे जाके फ्रेम्स में डिवाइड हो गया, फिर फ्रेम्स के जो बिट्स हैं उनकी जब हमने ट्रांसमिशन करनी थी हमने उनको सिग्नल्स में डिवाइड कर दिया. सिग्नल्स जो होंगे वो रेडियो, ऑप्टिक, इलेक्ट्रिक कुछ भी हो सकते हैं. तो नेटवर्क जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमारे सोच रहा है कि जो डेटा कम्युनिकेट होना है वो आएगा, लेकिन व्हेन वी आर वर्किंग ऑन एन एप्लीकेशन हम लोग उस फॉर्मेट में नहीं डेटा भेज रहे होते हैं. सो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि नेटवर्क को जो फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट में डिवाइड करना और उसके बाद ऑन द अदर हैंड ऑन द रिसीवर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन को जो भी फॉर्म एक्सपेक्ट कर रहा है वो उसमें हमारा नेटवर्क का जो डेटा है उसको प्रेजेंट करना. दैट इज द वर्क ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर. ट्रांसलेशन करना बेसिकली, तो इसको कंप्यूटर के नेटवर्क का ट्रांसलेटर भी करते हैं जो कि कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा को किसी एप्लीकेशन से लेता है और उसको एक जेनरिक फॉर्मेट में बदल देता है ऑन द सेंडर मशीन एंड अगेन ऑन द रिसीवर मशीन. किसी भी जेनरिक फॉर्मेट में जो हमारे पास डेटा आया है उसको वो वापस से बदलेगा व्हाट द एप्लीकेशन एक्चुअली रिक्वायर्स इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म. ये काम है प्रेजेंटेशन लेयर का. इसके बाद द सेकेंड काम जो वो कर रहा होता है वो है इनक्रिप्शन करना. ना क्या होता है कि कई बार कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो हम सेंड करना चाहते हैं, उस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हम एज इट इज़ नहीं भेजेंगे क्योंकि अगर मान लीजिए बीच में कहीं भी लाइन स्नूप हो रही होगी तो वो इन्फॉर्मेशन किसी और को भी पता चल जाएगी. इन दैट केस व्हाट वी डू, वी यूज़ इनक्रिप्शन. तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, डेटा को इनक्रिप्ट करेगा ऑन द सेंडर साइड एंड अगेन मान लीजिए ये जो भी हमारा ओरिजिनल डेटा था उसको हमने किसी और फॉर्म में इनक्रिप्ट कर दिया टू सेंड इट ऑन द ट्रांसमिशन लाइन, तो रिसीवर को कैसे समझेगा कि ये क्या था. तो रिसीवर एंड पे प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, वो वापस से इस डेटा को डिक्रिप्ट करेगा. तो ये काम हुआ. इसके बाद का जो काम है वो है कंप्रेशन. अब कंप्रेशन क्या होता है, कई बार अगर बहुत लार्ज डेटा है और हमारे ट्रांसमिशन जो रेट है या मान लीजिए हमारे इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं है तो हम बहुत लार्ज डेटा को ना कंप्रेस कर देते हैं और उसके बाद उस कंप्रेस डेटा को हम भेज रहे होते हैं इन द ट्रांसमिशन लाइन. तो सेंडर के एंड पे क्या होगा, कंप्रेशन टेक प्लेस करेगा. नाउ अगेन ऑन द रिसीवर एंड अगर कंप्रेस डेटा आ रहा है तो हम उसको एप्लीकेशन लेयर को वैसे ही नहीं देंगे, विल अगेन डीकंप्रेस इट. तो ये काम भी प्रेजेंटेशन लेयर का होगा. तो इन समरी प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, ट्रांसलेशन करना, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना और कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन करना. नाउ हमारा लास्ट लेयर आता है जो कि है एप्लीकेशन लेयर. नाउ एप्लीकेशन लेयर का काम ये है कि हम एप्लीकेशन को सर्विस प्रोवाइड करें एंड वी मेक इट हैपन सच दैट कि यूज़र पे जो एप्लीकेशन है और रिसीवर पे जो एप्लीकेशन है उनको ऐसा लगे कि वो सेम कंप्यूटर पे ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं. इतना बड़ा नेटवर्क का डिफरेंस है और इतना कुछ हो रहा है, वो बात हमारे एप्लीकेशन को नहीं पहुंचनी चाहिए. सो जब आप
सो लेट्स से अगेन आई विल टेक द सेम एग्जांपल, अगर आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज रहे होते हैं और वो सेंडर के पास से रिसीवर के पास जाता है, सो हमें कभी भी ये समझ नहीं आता कि इसके बीच में इतना सारा काम हो रहा है. सो एप्लीकेशन लेयर मेक्स इट ऑल वेरी एब्स्ट्रैक्ट टू दैट एप्लीकेशन, एंड दैट इज़ द वर्क ऑफ एप्लीकेशन लेयर. कम्युनिकेशन करना है बिटवीन द एप्लीकेशन ऑन द सेंडर मशीन एंड द रिसीवर मशीन. सो ये हमें बहुत तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे, जिसके थ्रू हम नेटवर्क पे ट्रांसमिशन कर सकते हैं या कम्युनिकेशन कर सकते हैं. वी हैव मेल सर्विसेज, वी हैव फाइल ट्रांसफ़र, वी हैव रिमोट वर्चुअल टर्मिनल्स. तो ये सारे के सारे सर्विसेज हमारे पास हैं जो कि एप्लीकेशन लेयर के पास हमें मिलेगा. ना यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हम लोग अपने डेली यूसेज में वर्क कर रहे होते हैं, जैसे कि HTTP जो कि वेबसाइट्स पे होता है, मतलब हमारे ब्राउजर्स पे होता है. आप जब भी कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो वो HTTP या HTTPS होता है. FTP क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. अगर मान लीजिए हमने कभी भी कोई फाइल कहीं भी ट्रांसफ़र करनी है तो जो एप्लीकेशन लेयर का सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं वो है FTP, फाइल ट्रांसफ़र. मान लीजिए मेल भेजना है तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं? SMTP, जो कि हमारा मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है. सो इस तरह से एप्लीकेशन लेयर का मेन काम क्या है? हमें सर्विसेज प्रोवाइड करना जिसके थ्रू हम नेटवर्क पर एक्चुअल में काम कर रहे हैं, अपना मैसेज भेज रहे हैं. So that is happening on the application layer. So that was it. हमने सातों layer cover कर लिया. अगर आपको कोई भी confusion है या अगर कुछ और आपको detail में जानना है तो हमें comment box में बताएं. Next topic आप क्या चाहते हैं that we cover, let us also know that. और अगर ये video अच्छा लगा हो तो please subscribe to the channel for more updates and like and share. Bye.